हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। साथ ही में आप लोग काफी फिट और हेल्दी भी होंगे। दोस्तों, आज हमारे पास है यामाहा रेज़रडार 125 का मॉन्स्टर एनर्जी एडिशन, या फिर कह लीजिए इसका टॉप ऑफ द लाइन हाइब्रिड स्ट्रीट रैली एडिशन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी गाड़ी के बारे में डिटेल से। आपको क्या कुछ नई स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाती हैं, या फिर आपको क्या नई प्राइसिंग पे करनी पड़ेगी इस स्कूटर की, इससे रिलेटेड आज सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो अगर आपको मेरी रिव्यू पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे आप आगे आने वाली कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस नहीं कर पाएं, साथ ही में ऑटोमोबाइल की दुनिया में अपडेट रहें। प्राइसिंग से शुरू करते हैं तो जो इसका एक्स शोरूम प्राइस है बेस मॉडल का, वो शुरू होता है 89,000 ऑन रोड से। और इसके टॉप ऑफ द लाइन जो कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इसका एक्स शोरूम प्राइस है 83,830 रुपीज़। हार्ट यू इंश्योरेंस, बाकी सारे पेपर वर्क वगैरह मिलाने के बाद आपको कंप्लीट ऑन रोड 92,900 रुपीज़ की पड़ जाती है, या एस्टिमेटेड 93,000 रुपीज़ की। आप इसमें थोड़े बहुत अपग्रेड्स भी करा सकते हैं। साथ ही में कुछ एक्सेसरीज हैं जो आपको अलग से लेनी पड़ेगी, जिनके लिए आपको तकरीबन 3,000 से 4,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों, कुछ इसके मेन हाइलाइट्स की फीचर की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको नए ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, या आप इसका शाइनी ब्लैक कलर मॉडल देख रहे हैं। इसमें आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है फ्रंट प्रोफाइल में, और दोस्तों इसमें आपको जो मीटर है वो डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा। साथ ही में जो टेल लैम्प है वो आपको बल्ब सेटअप में देखने को मिल जाता है। जो टर्न इंडिकेटर्स, वो आपको बॉडी आउटसाइड देखने को मिलेंगे, और कोई भी कंपनी ने खास चेंजमेंट नहीं किया है। हालांकि जो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करी गई है, और जो प्लास्टिक का यूज़ किया गया है नो डाउट बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। फ्रंट हैंडल बार से स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आप चेकआउट कर पा रहे होंगे, आपको वाई शेप में एलईडी डीआरएल देखने को मिल जाता है ऊपर की तरफ, और आपको जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो क्लियर लेंस टाइप देखने को मिलेंगे बल्ब सेटअप में। और दोस्तों, आप जो इंडिकेटर्स हैं वो बाद में अपग्रेड करवा सकते हैं एसेसरीज में, जो कि आपके फ्लैशर लग जाएंगे, यानी कि एलईडी सेटअप में जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो लग जाएगा। फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा आपको एलिगेंट, और देखा जाए तो इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगता है, क्योंकि ये मॉन्स्टर एनर्जी एडिशन है तो काफ़ी ज़्यादा आपको स्पोर्टी देखने को मिल जाता है। और अगर आप मॉन्स्टर कंपनी के फ़ैन हैं तो आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है फ्रंट से देखने में। हेडलैम्प की बात करें तो आपको एलईडी सेटअप में हेडलैम्प देखने को मिलता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, जिसका थ्रो थोड़ा सा आपको कम अच्छा देखने को मिलेगा। फ्रंट टायर साइज को लेकर बात करते हैं तो उससे पहले आपको, जैसे कि चेकआउट कर पा रहे होंगे, डिस्क ब्रेक वेरिएंट है तो इसमें आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है 220mm का, जो कि आपको UBS यानी कि यूनी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आता है। फ्रंट टायर साइज को लेकर बात करें तो 90x90 का R12 यानी कि 12 इंच का ट्यूबलेस अलॉय व्हील रेडियर टायर देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, फुटबोर्ड की क्वालिटी जो है प्लास्टिक की बहुत ही ज़्यादा कंपनी ने अच्छी यूज़ करी है, और जो आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाती है फ्रंट प्रोफाइल में, जो कि गाड़ी के लुक को बहुत ही ज़्यादा एनहांसिंग अच्छा बना देती है। आपको इसमें मल्टी फंक्शन की लॉक देखने को मिल जाता है, जिससे आप अपना बूट, गाड़ी की इग्निशन और ऑन ऑफ सब कुछ कंट्रोल कर पाएंगे। ओवरऑल जो हैंडल बार है काफ़ी ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव देखने को मिल जाता है, और जो इसकी पोजिशनिंग है हैंडल की वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको स्मूथिंग देखने को मिलती है, तो आपको लॉन्ग ड्यूटी राइड्स में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपके जो हाथ की पोजिशन रहेगी वो काफ़ी सही रहेगी। सीटिंग की बात करें तो आपको यूनिबॉडी सिंगल सीट देखने को मिल जाती है। इसमें अगर आप सीट कवर लेते हैं एक्स्ट्रा तो आपको 800 रुपये का लेना पड़ेगा, जो कि सेम ऐसा ही सीट कवर रहता है, जेन्युइन एसेसरी का पार्ट रहता है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी है उसकी। रेज़रडार में आपको जो मॉन्स्टर एनर्जी एडिशन है उसमें आपको जैसे कि ग्राफिक्स देखने को काफ़ी सारे मिल जाते हैं, इसमें आपको सैटन ब्लू कलर भी मिल जाएगा। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, काफ़ी ज़्यादा इसका लाइट वेट फ्रेम है, सिर्फ 99 kg गाड़ी का टोटल ओवरऑल वेट है, तो बहुत ही ज़्यादा आपको लाइट वेट देखने को मिलता है स्कूटर, लेकिन कहीं पे भी कंपनी ने बिल्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। रियर टायर साइज़ की बात करें तो 110x90 का R10 यानी कि 10 इंच का ट्यूबलेस अलॉय व्हील रेडियर टायर देखने को मिलेगा। दोस्तों, रियर में जो है आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है। बैक प्रोफाइल की बात करते हैं तो जैसा कि आप चेकआउट कर पा रहे होंगे, इसमें आपको जो टेल लैम्प है वो बल्ब सेटअप में देखने को मिलता है। साथ ही में जो टर्न इंडिकेटर्स, वो भी आपको मोटरसाइकिल के जैसे बॉडी आउटसाइड क्लियर लेंस टाइप बल्ब सेटअप में देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं कुछ कॉन्स की बात करूँ तो सबसे पहले इसमें नेविगेशन का कहीं ना कहीं मिसिंग है, जो कि अब जो आगे आने वाली इस प्राइस सेगमेंट की मॉडल है उसमें आपको देखने को मिल जाता है। सस्पेंशन की बात करते हैं तो इसमें आपको यूनिट स्विंग सस्पेंशन देखने को मिलता है, तो कि वो भी मुझे थोड़ा सा अच्छा कम लगता है। मेरे हिसाब से मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, आप ज़रूर अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फ्रंट में आपको जो है टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन देखने को मिलता है, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों, गाड़ी का जो बैटरी का बैकअप है, यानी कि जो कंपनी बैटरी इंस्टॉल करके देती है, उसमें भी थोड़ी मेंटेनेंस आपको देनी पड़ेगी। आपको डे टू डे
टाइम टू टाइम गाड़ी को चलाना पड़ेगा। अगर काफ़ी 10-15 दिन के लिए इसको आप नहीं यूज़ करते हैं तो उसकी ज़रूर से बैटरी लो पड़ जाएगी, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा शिकायत सुनने में आई थी। बाकी ओवरऑल गाड़ी में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती, बहुत ही अच्छी गाड़ी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा इससे रिलेटेड जितना भी इन्फो आप जानते हैं। अगर आपके पास है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, साथ ही में अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मोटरसाइकिल या स्कूटर के अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।